हेलो, आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये अभी रात है। कल सुबह हम लोग को ग्वालियर के लिए वापस निकलना है। हो सकता है मैं शायद व्लॉग रास्ते का नहीं बना पाऊँ। और ये सब देखिए, मामा भांजे मिलके ड्रोन एरोप्लेन आया था, ये भी वो वहीं कोरिया से लाया था, तो ये दोनों मिलके वही सब उड़ा रहे हैं। और बच्चों को ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख ये कौन लाया था सब अथर्व भी ना मेरे ऊपर ही चला गया। उसको भी मेरे जैसा, मेरे को भी समोसे बहुत पसंद हैं और उसको भी बहुत ज़्यादा ही पसंद हैं। तो मैं क्या है वहाँ पे बैठ के, बेड पे बैठ के पैकिंग कर रही थी और ये शाम को सबके लिए शायद समोसे आए थे। घर पे कोई आने वाला था तो ये देखिए कैसे बैठ के खा रहे हैं। जब इनको मिर्ची लगती है तब फिर ये नहीं खा पाते हैं। और देखिए यार, कल सुबह निकलना है, पैकिंग बहुत सारी पड़ी है। फिर वहाँ भी 1-1.5 महीने बाद मैं जाऊँगी तो वहाँ पर भी सामान काफ़ी बिखरा हुआ होगा, तो पता नहीं। बट बहुत ही हक्टिक होने वाला है। परसों से मेरे को स्कूल भी स्टार्ट करना है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, सब धीरे धीरे एडजस्ट होगा। और ये देखिए, ये इनके लिए न्यू गन आई है, तो ये हाथ में वो पकड़े हुए हैं, एरोप्लेन आया है वो रखे हुए हैं। बस सब ऐसा ही चल रहा है और इधर साइड में बैठ कर मैं पैकिंग करती हूँ। हेलो एवरीवन। और हम लोग, मैं एक्चुअली जर्नी का नहीं ले पाई थी क्योंकि दोनों ना आज हम लोग सुबह ही आए हैं कानपुर से ग्वालियर। हाँ, हम लोग ससुराल, मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। और वो क्या, दोनों बच्चे ना मेरे गोदी में ही सो रहे थे तो मैं फ़ोन और ऐसे कुछ उठा ही नहीं पाई थी। और यहाँ आके ये देखो मेरी हालत थोड़ी दिख रही है, और थोड़ा सा ये देखो सामान दिख रहा है, इतना सारा फैल गया है अनपैक करने में ना। और ऊपर से रूम ये दिखाती हूँ। और ये देखिए देव को, इन्हें क्या है, इतने दिनों बाद अपनी कार मिली है और ये देखिए कार में गंदगी कितनी लग, पूरी धूल जम गई है। बट इन्हें इतने दिन बाद मिली है तो ये देखिए उसी में लगे हुए हैं। और ये देखिए मेरे रूम की हालत देखिए, सब अनपैक हो करा है मैंने। ये देखिए बैग खोले हैं, अभी ये बैग खुला ही नहीं है, इसमें बच्चों का डेली यूज़ के रहते हैं। ये मेरा लैपटॉप बैग है और ये सब कुछ कुछ है, ये देखो ये सारा है। ये खाली सिर्फ मैंने ना इन लोग की ये निकाली लगाई है, सिर्फ बच्चों का सामान पहले रख दिया है। तो ये देखो सब फैला हुआ है, इधर इनके शूज़ रखते हैं, इधर ये मेरी मैंने जो दो रिंग्स ली थी उसमें से एक में रिंग होगी शायद, आई डोंट नो एक्चुअली, बहुत टाइट है। हाँ ये देखिए, वो जो दूसरी वाली रिंग है वो ये मैंने बिछिए अपने चेंज किए थे वो रखे हुए हैं। और ये जो रिंग है ये मैंने पहनी नहीं है अभी, एक ही पहनी है मैंने, मतलब बेसिकली एक ही पसंद है। ये देखिए तो एक ही पहनी है वो। और ये देखिए कितना सारा सामान खराब हुआ। ये एक चीज़ मैं आपको अच्छी दिखाती हूँ, ये एक कॉस्मेटिक टैग है, ये भी बाहर से ही आया है, मुझसे बाइक लिया है मैंने। ये देखिए तो मेरे को बहुत पसंद आया, एक तो इसका कलर टेक्स्चर कितना अच्छा है और इसमें से क्या है अपना थोड़ा सामान ज़्यादा ही हो जाता है। तो ये देखिए इधर ये पूरा बैग एक तो खुल के ऐसा होता है, फिर यहाँ पर एक पूरी जिप दी हुई है, फिर देखिए एक इधर बड़ी जिप है, देन क्या है इसमें क्या है अंदर जो सेक्शन है ना उसमें डीओ वगैरह के लिए अंदर से सेक्शन दिए हुए हैं। प्लस यहाँ कई बार क्या होता है अपनी बिंदी वगैरह ना इधर उधर मिक्स हो जाती हैं, छोटे छोटे बैंड्स वगैरह है। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था और इसका फोल्डिंग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो ये है एक, और नेक्स्ट तो ये देखिए कितना सामान, ये कुछ इनके टॉयज कवर, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और ये इसमें मिले कि नहीं बहुत चाहिए। बाय बाय, आजा। और हम लोग आ गए हैं किचन में। आज मैं ये बनाने जा रही हूँ, ये जो मूली के पत्ते होते हैं ये देखिए मैंने काट के रखे हुए हैं, ये मूंग की दाल के साथ बनाए जाते हैं सूखी। तो ये देखिए मैं क्या है, मूंग की दाल मैंने पहले थोड़ी भिगो दी थी 1 घंटे पहले, फिर उसको मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली है, उसके ऊपर थोड़ी घिस के मैंने मूली भी डाल दी है, ये बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा इसको तीखी बनाना होता है तो मैंने 3-4 नॉर्मल छौंका है, मैंने 3-4 हरी मिर्च और हींग और जीरा जो भी डालते हैं, उसके बाद हम ये पत्ते डाल देंगे।
ये थोड़ा ढक के मैं पत्ते एक्चुअली डालने के पहले क्या है थोड़ा सा मैं गला लिया है मैंने मूंग की दाल को और मैंने पत्ते ऐड कर दिए और बस इसको मैं चला दूंगी, नमक ऐड कर दूंगी। और ये देखिए उधर मैं ये सब्जी चलाती जा रही हूँ और ये मेरी मौसी सास हैं और दोनों हम लोग एक साइड में रोटी बनाने जा रहे थे। निलय को एक्चुअली पसंद नहीं है ये वाली सब्ज़ी, हम लोग साथ में बातें भी बहुत करते हैं, बातें करते जा रहे थे और चाय पी रहे थे तो उसी वो जो मैंने मूली घिसी थी उसी के मैंने 3 या 4 पहले पराठे बनाए हैं तो मौसी बेलती जा रही थी क्योंकि मेरे से मूली के पराठे अच्छे से बेलते नहीं हैं क्योंकि वो मेरे से फट जाते हैं, फिलिंग मैं सही से नहीं कर पाती हूँ उसकी। तो ये देखिए मैं दबा दबा के उनको सेक रही हूँ। तो पहले मैं 2-3 मूली के पराठे उनके लिए बना दूँगी और फिर हम लोग रोटी सेकना स्टार्ट करेंगे और फिर एक साथ ही हम लोग पूरा सबका डिनर लगा देते हैं क्योंकि क्या है 3 बच्चे हैं और आरू भी है तो वो भी छोटी है, अब वो थोड़ा चलने लगी है तो उससे वो और इधर उधर भागती है तो हम दोनों बस जल्दी से ये करते हैं क्योंकि क्या है जब बच्चे हो जाते हैं और जैसे मेरे 3 साल के 3.5 साल के हैं तो इनको स्कूल में होमवर्क वगैरह भी मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी ये सब फिनिश हो, बच्चों को खाना भी टाइम से खिला दें जिससे कि हमें क्या प्रॉपर उनके लिए टाइम निकाल पाएँ क्योंकि आपका बच्चों का जो होमवर्क है या बच्चों को एक आध बार आप थोड़ा सा कुछ रीडिंग वगैरह करवाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है तो हम लोग उसके लिए कर रहे हैं। तो बाहर मम्मी बैठी हुई हैं, आरू बच्चे निलय और मौसा जी सब लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग यहाँ पे ये देखिए कितनी आराम से बातें भी कितनी चल रही हैं, चाय पी रहे हैं। कुछ लोगों के ऐसा अलाव भी नहीं होता है कि किचन में खाना बनाते वक्त ऐसा कुछ जूठा नहीं करना है, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे तो हम लोग आराम से खूब इंजॉय करते हैं सब साथ में। और ये देखिए मैं रोटी बेल रही हैं क्योंकि पता ही है कि मेरे यहाँ सब वर्किंग है तो सबको ही थोड़ा जल्दी रहता है और सुबह भी सबको जल्दी रहता है तो मैं किचन भी साफ़ करके डालती हूँ क्योंकि सुबह सुबह मेरे को काम रहता है। पर ऐसे सब मिलकर करते हैं तो क्या काम भी जल्दी हो जाता है और अच्छा तो लगता ही है कि सब लोग एक साथ है। तो ये देखिए ये मम्मी भी कुछ कहने आई थी शायद उस टाइम और हाँ मौसी ये कह रही थी कि मैं आपको बता दूँ, मौसी ने ही मेरे को ये बताया कि सब्ज़ी ऐसे बनती है ये सूखी वाली, इसमें आप थोड़ा सा इसको ना थोड़ी सी खट्टी और तीखी ज़्यादा रखते हैं तो 3-4 मिर्च तो डाल रही थे काट के, उसके बाद थोड़ा सा कह रहे हैं कि नींबू उसमें निचोड़ दो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक्चुअली मौसी महाराष्ट्र साइड रही है तो इनको थोड़ा ज़्यादा आइडिया है। तो ये देखिए मैं बस उसमें नींबू निचोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी बच्चों को खाना और फिर उनको खिलाऊंगी। और ये व्लॉग मैं आज का यहीं कंप्लीट करती हूँ, कल के व्लॉग का आप वेट करिए, तब तक के लिए बाय।